हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल छत्तीसगढ़ पाठशाला। आज के हम इस वीडियो में पॉलिटी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। ऑप्शंस है हमारा, फर्स्ट इट प्रोवाइडेड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता 1774। सेकेंड, इट क्रिएटेड एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ फॉर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। थर्ड, इट मेड द गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसीज सबॉर्डिनेट टू द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। फोर्थ, इट एस्टेब्लिश्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल अफेयर्स। जो बेसिक फीचर्स था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 का, तो जो हमारे फर्स्ट थ्री ऑप्शन है दीज आर द करेक्ट ऑप्शन। एंड जो फर्स्ट हमारा गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे वो थे लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। एंड जो क्या कहते हैं, जो फोर्थ पॉइंट है वो हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल नहीं था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर मैनेजिंग पॉलिटिकल अफेयर्स नहीं था। बोर्ड ऑफ कंट्रोल अपॉइंट तो किया गया था बट टू कंट्रोल द अफेयर्स ऑफ रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इन इंडिया। सो हमारे फर्स्ट जो तीन ऑप्शंस हैं दैट इज द ऑप्शन सी, ओनली 1, 2 एंड 3 ये इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट हैं। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लीडर्स आर करेक्टली मैच टू देयर पोर्टफोलियोज इन द फर्स्ट कैबिनेट ऑफ फ्री इंडिया। हमारे ऑप्शन से पहला सरदार बलदेव सिंह डिफेंस, सेकंड है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फूड एंड एग्रीकल्चर, थर्ड डॉक्टर जॉन मथाई फाइनेंस। तो हमारे फर्स्ट दो ऑप्शन सही हैं। थर्ड ऑप्शन है डॉक्टर जॉन मथाई जी को, उनको रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दिया गया था। सो यहाँ ऑप्शन बी करेक्ट होगा, 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वॉट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ऑप्शन फर्स्ट है हमारा फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, सेकंड है डायरकी एट द सेंटर, थर्ड है अबॉल्यूशन ऑफ डायरकी इन द स्टेट। सो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का जो फीचर्स है वो फर्स्ट पहला क्या था कि फेडरेशन एंड प्रोविंशियल ऑटोनॉमी प्रोवाइड की गई थी, और सेंटर में डायरकी भी एस्टेब्लिश किया गया था, और थर्ड था एवोल्यूशन ऑफ डायरकी इन द स्टेट। तो ये सारे तीनों ऑप्शंस हमारे करेक्ट है, तो इसका जो होगा ऑप्शन नंबर सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर फोर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा साइमन कमीशन विच वॉज अपॉइंटेड इन 1927 सबमिटेड इट्स रिपोर्ट इन 1930 विच सजेस्टेड अबॉल्यूशन ऑफ डायरकी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट है, साइमन कमीशन 1927 में एस्टैब्लिश हुआ था, अपॉइंट हुआ था, और 1930 में उसने रिपोर्ट सबमिट किया था जिसमें अबॉल्यूशन ऑफ डायरकी के बारे में चर्चा की गई थी। दूसरा है ऑप्शन द पूना पैक्ट वॉज अ रिएक्शन टू द साइमन कमीशन एंड इट्स रिपोर्ट्स। ना, इसका ऑप्शन ये गलत है। पूना पैक्ट तो एक एग्रीमेंट बनाया गया था जिसमें हिंदू और डिप्रेस्ड क्लासेस को रिजर्व सीट्स और इलेक्टोरेट ज्वाइन करने के लिए एक एग्रीमेंट बनाया गया था। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ओनली ऑप्शन नंबर ए, ओनली 1। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। ऑप्शन है हमारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन द वाइस रॉयस एग्जीक्यूटिव काउंसिल। सेकेंड है हमारा द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस सेपरेट इलेक्टोरेट्स। इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में एक्चुअली हुआ क्या था कि ये इसमें जो लेजिस्लेचर का जो साइज था उसको कंसिडरेबली इंक्रीज़ किया गया था सेंट्रल और प्रोविंशियल लेवल में। तो सेंट्रल लेवल में तो 16 से मेंबर से उसको 60 तक कर दिया गया था, बट प्रोविंशियल जो लेवल थे उसमें जो क्या बोलते हैं वो जो नंबर थे वो यूनिफॉर्म नहीं थे। और जो फर्स्ट टाइम था वो इंडियंस का एसोसिएशन किया गया था अपने ब्रिटिश वाइसरॉयज काउंसिल में। सो जो फर्स्ट हमारे इंडियन थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, जो वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल को ज्वाइन किए थे एज अ लॉ मेंबर। तो इसके दोनों ही ऑप्शन सही हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आर ट्रू रिगार्डिंग द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। हमारा इट अबॉलिश्ड डायरकी इंट्रोड्यूस्ड बाई 1909 मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। तो ये तो ऑप्शन गलत है, जो डायरकी अबॉलिश की गई थी वो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में की गई थी। सेकेंड है इट इंट्रोड्यूस्ड डायरेक्ट इलेक्शन इन द कंट्री, तो ये ऑप्शन बहुत सही है। सो हमारा जो आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी, ओनली 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू आर रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। फर्स्ट ऑप्शन है लॉज मेड अंडर द एक्ट ऑफ 1833 वर कॉल्ड रेगुलेशंस।
और सेकंड ऑप्शन है, इट मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी अ कमर्शियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। तो इसके दोनों ही ऑप्शंस गलत है। इसमें क्या, इस एक्ट के अंडर में क्या हुआ था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे उनको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया डिक्लेयर कर दिया गया था, और जो फर्स्ट हमारे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने थे वो थे लॉर्ड विलियम बैंटिक। और जो इस क्या बोलते, जो लॉज प्रीवियस एक्ट्स के मतलब जो लॉज बनाए गए थे प्रीवियस एक्ट के अंडर में उनको रेगुलेशंस कहा गया था, एंड जो लॉज इस एक्ट के अंदर में बनाया गया था उसको एक्ट कहा गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन तो गलत है, और सेकंड जो है, इट मेड द ईस्ट इंडिया कंपनी कमर्शियल एज वेल एज एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, तो ये भी गलत है। तो इसके जो ऑप्शन होंगे नाइदर वन नाइदर टू। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1853। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, द एक्ट ऑफ 1853 वॉज लास्ट ऑफ द चार्टर एक्ट एंड दैट मेड गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये ऑप्शन तो गलत ही है, क्योंकि हमने इसके प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखा था कि चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में डिक्लेयर कर दिया गया था गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को एज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड ऑप्शन जो है, इट कंबाइंड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स, तो ये भी गलत है। इसने सेपरेट किया था एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव फंक्शन ऑफ द गवर्नर जनरल्स काउंसिल्स। तो इसका भी ऑप्शन होगा डी, नाइदर वन नाइ नॉट टू। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज पास्ड इन 1858। सो ये ऑप्शन सही है, जो एक्ट ऑफ द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वो क्या बोलना चाहिए पास हुआ था 1858 में। और जो सेकंड ऑप्शन है, लॉर्ड डेलहौजी बिकम द फर्स्ट वाइस ऑफ इंडिया, तो ये ऑप्शन हमारा गलत है। तो जो जो लॉर्ड कैनिंग थे वो फर्स्ट वाइस रॉय ऑफ इंडिया बने थे। सो इसका जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर नंबर वन, ओनली वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इंडियाज़ काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 प्रोवाइडेड फॉर। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, डिसेंट्रलाइजेशन टेंडेंसी। सेकंड है लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर पंजाब। थर्ड है रिजेक्टेड द पोर्टफोलियो सिस्टम। फोर्थ है स्टार्टेड एसोसिएटिंग इंडियंस विद द लॉ मेकिंग प्रोसेस। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन तो सही है, उन्होंने और जो सेकंड था लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर पंजाब प्रोवाइड किया था, लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ काउंसिल टू द राजा ऑफ बनारस, और एक और जो उनको और सर दिनकर राव को, ये तीनों को अपने काउंसिल में इंक्लूड किया था वॉइस रॉय लॉर्ड कैनिंग ने। थर्ड जो ऑप्शन है, रिजेक्टेड द पोर्टफोलियो सिस्टम, तो दिस इज़ रॉन्ग, इन्होंने रिकॉग्नाइज किया था पोर्टफोलियो सिस्टम को। और फोर्थ है स्टार्टेड एसोसिएटिंग इंडियंस टू विद द लॉ मेकिंग, फोर्थ ऑप्शन भी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आंसर नंबर बी, 1, 2 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 मेड अ लिमिटेड एंड इनडायरेक्ट प्रोविजन फॉर द यूज़ ऑफ इलेक्शन इन फिलिंग अप सम ऑफ द नॉन ऑफिशियल सीट्स। सेकेंड ऑप्शन, इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 डिड नॉट यूज़ द वर्ड इलेक्शन डायरेक्टली इन द एक्ट। सो इसके दोनों ही ऑप्शन सही है। इसमें जो जो सेकेंड ऑप्शन था उसमें डायरेक्टली इलेक्शन वर्ड तो यूज़ नहीं किया था, बट जो प्रोसेस था उसको डिस्क्राइब किया गया था, नॉमिनेशन मेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द सर्टेन बॉडीज़। सो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। क्वेश्चन नंबर 12, विच आर द चेंजेस इंट्रोड्यूस बाय द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा, इट प्रोवाइडेड राइट टू सीड फ्रॉम ब्रिटिश कॉमनवेल्थ, ये करेक्ट है। सेकंड, इट गेव टू ऑप्शन टू प्रिंसली स्टेट आइदर टू जॉइन इंडिया और पाकिस्तान। दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। इट अबॉलिश्ड ऑफिस ऑफ द वाइसराय, ये भी करेक्ट है। तो इसका जो सही आंसर होगा आंसर नंबर सी, ओनली 1, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 13, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया। तो हमारे ऑप्शन है लॉर्ड विलियम बेंटिंक, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड माउंट बैटन। सो हमारा करेक्ट आंसर लॉर्ड माउंट बैटन। सो आज का हमारा यह वीडियो यहीं एंड होता है, और अगर आपको यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल लगा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल, एंड प्लीज़ हेल्प